आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज तल के। ये मिक्स वेज बनकर हो गई है रेडी। मैं तल रही हूँ करेले, हल्के हल्के से फ्राई कर दूंगी इनको। गाइस करेले लगभग हो गए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में, तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते और लंच की सब्जी एक साथ। तो मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो करते हैं ब्लॉग शुरू, चलते हैं किचन में। गाइस आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज तल के। ये तो अभी गोभी फ्राई की है, शिमला मिर्च भी फ्राई होंगी और आलू फ्राई हो गए। ये डाल दी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, आलू तो तल गए और ये बीन्स और तल दी। और ये गाइस तल दी बीन। तो आज तल के बन गई हमारी मिक्स वेज। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है बस, क्योंकि तेल पहले उन हो गया सब्जी का। तो जीरा ये डाल दिया हींग, ये डाल दी राइस, थोड़ी सी कलर नीचे राइस में डाला है जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, ये तीखी लाल मिर्चे, कलर मिर्चे, टमाटर की पूरी। ये डाल दी गाइस में तली हुई वेजिटेबल। नमक पहले डाल दिया था गाइस, अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, क्योंकि जो इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड किए हैं वो सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मिक्स वेज बनकर हो गई है रेडी। करते हैं नाश्ते की तैयारी। और गाइस इधर बन गई हमारी चाय, तो त्यागी जी को देते हैं फटाफट नाश्ता। गाइस आगे कर रहा है पूजा। राधे राधे, जय जय श्री राधे। सो गाइस आके कर रहा है पूजा। बस ये करता है ये पूजा, ऐसा नहीं है, बस मुझे दिखाने का मौका सा नहीं मिलता। तो अभी इसके पहले इसके डैडी ने पूजा की, अब बाकी पूजा कर रहा है। गाइस ये गूगल की धूप है और सुबह सुबह हम इसे जला देते हैं, पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो ये बाकी ने जला के रख दी, ये देखो, मतलब एक भगवान के होने का एहसास होता है। गाइस नाश्ते में चलेंगे दही और मिक्स वेज के साथ पराठे। ले बाबू नाश्ता। गाइस देखना सारंग को चेयर लेके आया है और अपने आप ही हैंड वॉश कर रहा है, वरना मैं ही कराती हूँ या भाभी जी। ये क्या कर रहे हो आप? सारंगी हरकतें ना गाइस मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं। कितना क्यूट सा लगता है, कभी मुंह धोएगा, कभी कुल्ला करेगा। दिखाओ, बस हो गया, आप हट जाओ। बच चलो, नहीं नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, मम्मी आ जाएंगे फिर आप नहीं नहीं करना। ओके आप हटो वहां से, चलो अपना दूध पियो आओ। हो तो गया, जल्दी आओ। बस अरे ठंडा पानी लग रहा है ना आपको, इसलिए आपकी नाक चलती है फिर। बट आओ जल्दी। फिर साफ करो कैसे जल्दी? आज हम तिरामले में जा रहे हैं अच्छा। और हम सारंग के पास आए। अच्छा तो लड्डू खाने जा रही हो? हाँ। अच्छा पूरी पूरी खाऊंगी। अच्छा लेट हो जाऊंगी, गैस बन जाएगी। अभी दो दिन तीन दिन पहले भी तो गैस के चक्कर में हाय मरी उठाने जा रहा है ना। हाँ।
आज फिर खा के पड़ जाना, गर्मी वैसे है। अब तो चावल चावल खाए होंगे। अब तो पकवान कम से कम खाओ। पकवान ना खाऊंगी, चावल चावल खाऊंगी, छोले चावल खाऊंगी। ये देखो गाइस, सारंग कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसके बाल बना लिए लड़के वाले। पकड़। सारंग के आसपास एक ना एक मक्खी है जो बार बार उसे पकड़ने की सोच रहा है। सारंग आप क्या पकड़ रहे हो? और सारंग के देखो बाल कैसे है। ये बैठ गई भाभी जी नहा धोके। खैर सभी नहा चुके, खाना वाना भी बन चुका, बस खाना खाना रह रहा है। गाइस सोचा था सब्जी में ही काम चल जाएगा, पर फिर भी थोड़ी सी दाल बनाई है मसूर की। गाइस त्यागी जी आए हैं, खाना लगा दूँ। भाई जी खा लिया खाना? गाइस त्यागी जी गए खाना खाकर, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद करेंगे रेस्ट। गाइस बजे हैं शाम के 5 और बनाते हैं चाय। और ये है भाभी जी, काना जी को पिलाने आए हैं दूध। क्या? काना जी को पिलाने आए हैं दूध। गाइस ये बन रही है शाम की चाय, अदरक और इलायची डाल के। सो गाइस आज बना रहे हैं हम करेले। गाइस करेले तो काट दिए, अब मैं ना नमक लगा दूं। गाइस भाभी जी जल्दी दूध लेने। तीन चार कितना सारा दूध लाऊंगी। कितने सारे डब्बे। गाइस उधर तो तलने के लिए रख दिया तेल, करेले तल के बनाऊंगी। और इधर लगा दी मशीन, तल दी करेले, हल्के हल्के से फ्राई कर दूंगी इनको। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है क्योंकि करेले पहले तल गए हैं ना, तो मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, ये डाल दिए गाइस इसमें टमाटर, गाइस में डाल दिया नमक, ये थोड़ी तीखी मिर्ची रेड, ये धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर। गाइस टमाटर होने वाले हैं सोप, मुझे ना सेक रखने हैं, थोड़े पीसीज में टमाटर काटो और डालो। गाइस ये डाल दिया थोड़ा सा हींग और ये हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची बीच में से कट करके। गाइस ये डाल रही हूँ मैं तले हुए करेले। अब इसको हम चलाते हैं और साथ में डाल दूंगी कच्चा आम। और अब ये चला दिए मैंने, अब से थोड़ी देर के लिए रख देंगे क्योंकि इन्हें चला दिए मेरे माँच पर, ये पकते रहेंगे, इनको ढककर रख दूंगी क्योंकि जो कच्चा आम है ये मैंने इसको वैसे डाला है ना करके, जो कच्चा आम है तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, फिर ये इसमें ही मिक्स हो जाएगा, ऐसे अलग से नहीं दिखेगा। अगर गाइस आपको ये लगेगा आपके करेले थोड़े सूखे सूखे से हैं तो इनमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, वैसे मुझे इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इनको ढककर रखूँगी तो थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इनमें इतना ऑयल है ये मैंने इनको ढक दिया है। गाइस करेले लगभग हो गए, अब मैंने इसमें डाल दी ऊपर से थोड़ी सी सौंफ, मैंने डाल दी ऊपर से थोड़ी सौंफ, सौंफ अच्छी लगती है दरदरी सी, सौंफ का ही टेस्ट है इसमें, इसमें सौंफ भी डाल दी और एक चम्मच ऊपर से डाल दे सूखा धनिया, क्योंकि ये चीज़ें धनिया और सौंफ से अच्छी लगती हैं। मैंने अंदर तो डाली है बाद में भी डाल दिया, थोड़ी खुशबू से आती है अच्छी सी सौंफ की, खाने में भी अच्छी लगती है। ये हमारे बन गए और 2 मिनट बाद इन्हें कवर करके गैस बंद कर दूंगी। गाइस खाना पीना हुआ ख़त्म और हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने। मैं त्यागी जी पाकी रीति एक राउंड लगाया है, थोड़ा सा जो इंजन इन्होंने खाया है वो फैट ढीला हो जाए। ये मोटू
मेरा मोटू हाँ हमारा मेडिकल स्टोर जो भी बंद है। देखो स्टेशन का व्यू। आज तो हम बहुत दिन बाद आए हैं, आज बहुत दिन बाद आए हैं ना बच्चों। गाइस ये तो पाखे रह रही थी यहाँ पे भी, दोनों आके मस्ती कर रही है। कह रही थे वो रीति कहने लगा चाचा तो गए आगे, हम यहीं घूमेंगे। गाइस हम तो यहीं रुक गए बीच में, ये बहुत और आगे जा रहे उधर से घूम के। और ये दोनों देखो कैसे बैठे हैं, ये देखो पेड़ हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस पाके रीति को लाट पड़ गई पीछे, त्यागी जी आ गई है क्योंकि इन्हें बहुत हंसी आ रही है दोनों को, इनके पास रहे तो फिर लाट पड़ जाएगी। स्टेशन का तो राउंड लगाए और बच्चे डिमांड कर रहे हैं आइसक्रीम की। गाइस सब खाए आइसक्रीम, बच्चे आए आइसक्रीम के लिए थे, लाट तो पड़ी पड़ी आइसक्रीम रख लाते तो मुंह बन जाता। गाइस गाइस भाभी जी और सारंग के लिए तो आइसक्रीम ले ली। गाइस अभी अभी आए हैं बिल्कुल, चलेगा तो गाइस घूम घाम के आ गए, थक भी गई हैं और काम वाम सब खत्म हो गया हमारा, तो वो करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय।